हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम भी अच्छे ही हैं। और ये देखिए, मेरा बाबू कब हमारा है, उड़ गया। तो वही हमारे तब देख रहा है कि मतलब उड़ गया। इसकी यही प्रॉब्लम है कि मतलब बाहर कोई कुत्ता आ जाए, चाहे कोई बिल्ली आ जाए, चाहे कोई कौवा आ जाए, उसको ये दौड़ा दौड़ा के मारता है। अपने द्वार पे किसी चीज़ को टिकने नहीं देता है। कहते हैं ना, एक कहावत सुने हैं कि मतलब लोग पुरानिया लोग कह गए हैं कि तो अपने द्वारे पे कौवा नहीं टिके दी। वही हाल है हमारा बाबू का कि ना कुत्ता ना बिल्ली ना कावे कुछ मतलब टिकने नहीं देता है, सबको मार के भगा ही देता है। और ये देखिए, इधर बगीचे में कितना ज़्यादा आम आया है, कितना ज़्यादा मुजरी आया है। अभी नहीं आम है इसमें, अभी ऐसी जो मुजरी पकड़ती वही पकड़ी हुई है। तो अब यहाँ इधर आम का 6-7 पेड़ हैं, सारे पेड़ में इतना ही ज़्यादा ज़्यादा लगा है। लेकिन जगह लगा तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इधर हवा इतना चलता है और इधर बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, तो कुछ हवा से ये गिर जाएगा, कुछ बंदर आके खा जाते हैं, कुछ खाते हैं, नुकसान कर देते हैं, इसीलिए फिर आम थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो जितना ये आम पकड़ता है उतना अगर हो जाता अच्छे से तो इधर के लोग को खाने की कमी नहीं होती। देखिए चारों मतलब चारों तरफ जितने पेड़ हैं उतने में बहुत ज़्यादा आम लगी हुई है इस बार। सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा आम आया है। आने को हर साल आता है, लेकिन इस बार थोड़ा अधिक आया है, इसीलिए इधर के लोग बोलते हैं। और हम तो पहली बार इधर आए हुए हैं, तो हम लोग अब हम भी देख रहे हैं कि कितना आम आया है कितना नहीं। अब यहाँ पे रहेंगे तो देखेंगे कि कैसे कितना है। और ये सुबह का टाइम में देखिए चंदा मामा कैसे रेड में दिख रहे हैं, कितना अच्छा इधर का व्यूज दिख रहा है। और इधर मेरा बाबू खेल रहे हैं, ये कौवे के चक्कर में फिर लगा हुआ है, कहाँ दिख जाए, इधर उधर देख रहा है कि बस दिख जाए तो उसको हम मारें। अब चला गया अंदर। अंदर आने के बाद से इन लोग की शैतानियाँ देखिए। ये सुबह का टाइम है, हमारी लड़की दूध तो पी चुकी है सुबह के टाइम में, लेकिन फिर कह रही है कि मम्मी मैं केला सेब खाऊंगी। हम बोल रहे हैं कि सुबह का टाइम में केला सेब खाते हैं ये लोग तो इन लोग को खांसी हो जाती है, तो ये लोग मान ही नहीं रहे थे, बार बार यही बोले थे कि नहीं मैं खाऊँगा खाऊँगा। तो बोले ठीक है जाओ धोकर खा लो। वह हमारी लड़की गई है धोने के लिए। ऐसा मतलब हमारी लड़की के अंदर गुण है कि कोई भी चीज़ चाहे केला हो सेब हो अनार हो कोई भी चीज़ अंगूर हो वो कोई भी चीज़ जब भी बाजार से आता है तो बिना धोए वो खाती नहीं है, उसकी आदत ये मतलब अच्छी है। तो वही वो धोने चली गई है और ये भी जा रहा है पीछे से धोने। ये दे पूछ रही कि मम्मी मैं धो दी हूँ अब इसको काट दीजिए ताकि हम खाएं। और ये देखिए मेरा, हम जा रहे थे पानी लाने तो ये बाल्टी ले लिया कि मैं पानी लाऊंगा। मैं ठीक है जाओ, छीन लेता है, बोलता है पानी पानी, तो हम बोले ठीक है जाओ। देखिए और दोस्तों इधर पत्ते हैं और पानी है और मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिए क्योंकि हम लोग कितना भी साफ करते हैं फिर भी पत्ते गिर ही जाते हैं और वो मिट्टी का है तो इधर काई बैठ ही जाता है, तो आप लोग इस चीज़ का इग्नोर कर दीजिएगा। साफ तो हम लोग करते ही हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, बाहरी बाहर क्षेत्र का है तो हो ही जाता है, पूरे पत्ते वत्ते घास भूसा है, कितना कोई साफ करे वही बच्चे को लेकर। और ये दोनों लोग देखिए पानी भर रहे हैं। ये जो जिस पे हमारी लड़की खड़ी है वो लोहे का है इसीलिए उसमें जंग लग जाती है बार बार, तो कितना भी साफ करते हैं लेकिन फिर भी मतलब ये ऐसा हो ही जाता है, तो क्या करें दोस्तों। और ये देखिए लड़ाई कर रहे हैं कि पानी हम चलाएंगे हम चलाएंगे, इसीलिए ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। और इधर हमारे हस्बैंड इन लोगों को जो सेब ली थी हमारी लड़की उसको काट के दिए हैं खाने के लिए, तो ये लोग बैठ के खा रहे हैं। हम जा रहे थे खाना बनाने क्योंकि हमने झाड़ू बर्तन सब कर लिया था, बोले कि इनको आप बच्चे लोग को देखिए हम चल रहे हैं खाना बनाए, तो वही ये लोग इधर बाहर खेलते रहते हैं और हम उधर अपना काम करते रहते हैं। कभी कभी बीच में बाबू चला जाता है परेशान करने के लिए, लेकिन क्या करें उसी में करना ही पड़ता है। और इधर हम बना रहे थे दाल और देख रही थी मैं मोबाइल,
मतलब दाल रख दी थी और मोबाइल देख रही थी, तब तक मेरी दाल जल गई। देखिए कितना जल गया है अधिका। दोस्तों हमने तो गलती कर रही हूँ कि मैं मोबाइल भी देख रही हूँ और खाना भी बना रही, इसी वजह से हमारी दाल जल गई। हमने जो गलती की है आप लोग मत कीजिएगा, वरना आप लोग का भी ऐसी ही दाल जल जाएगा। अब ऐसे खाना बनाते वक्त मोबाइल नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम लगे देखने जानते ही, आदमी का मन नहीं मानता है, लगते मोबाइल थोड़ा ये देख ले वो देख ले, यही सब देखने के चक्कर में मेरा दाल जल गया। और इधर चल रही है पानी, ये भिंडी का खेत है, इसमें चल रही है पानी। और ये जो पौधा लगा है ये मरचा है और भंटा है। अब जानते ही हैं दोस्तों कि गर्मी का सीजन आ गया तो हर 2 दिन पे पानी चलाना ही पड़ता है। और इधर हमने अपने लड़के और लड़कियों को नहला दी हूँ, और ये देखिए मेरे बाबू खेल रहे हैं, नहा रहे थे तो ये लोग बहुत रो रहे थे। और इधर अब हमारी लड़की भी खेल रही है। फिर हमने भी सारा काम वाम करके हमने भी नहा धो ली थी, और ये देखिए हमने भी नहा के तो पूरा काम करके हम बाबू का बाल सीधा सीधा कर रहे थे, ताकि उसका बाल बार बार मुंह में लटक जा रही थी। तो हम बोले थे कि इसको रबड़ लग जाएगा तो नहीं लटकेगा, तो ये हम अपने हस्बैंड से रबड़ मांग रहे थे, तो वो भी रबड़ दे नहीं रहे थे जल्दी। उनसे बार बार कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी दे रहा, वो शायद कुछ काम कर रहे थे इसीलिए नहीं दे रहे थे। ये देखिए वो कैमरे में देख रहा है, हम बोले रो रहा था तो हम कैमरे में उसको दिखा रहे थे कि देखो कैमरे में कैसे तुम्हारी वीडियो बन रही है, तो वही देखिए कैमरे में कैसे देख रहे हैं। और इधर हमारे हस्बैंड रबड़ दे रहे थे, वो भी बोल रहे थे कुछ, तो हम भी बोल रहे थे कि एक रबड़ दे रहे तो आप इतना बोल रहे हैं। और हम बाल रहे इसका बाल। और ये देखिए हमारा फोन गिर गया, क्योंकि इनके पापा कांठी वहाँ लगाना था तो वही लगा रहे थे, तब तक इनके इनके शरीर से ही इनके फोन मेरा गिर गया था। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये कांठी इसलिए लगा रहे जो शीशे का वो दिख रहा है ना खिड़की, वो बार बार नीचे मतलब गिर जाता है, उस पर कुछ फंसाने वाला नहीं है इसीलिए गिर जाता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि उसको रस्सी से बांध के ऊपर टांग देंगे तो सही रहेगा। और इधर ये लोग खेल रहे हैं। और ये है शाम का क्लिप, जो पानी पूरी आया था तो हमारे बच्चे खा रहे थे। तो दोस्तों हम आज का वीडियो हमारा यहीं तक है, अब मैं वीडियो कर रही हूँ एंड, और आप अपना ढेर सारा